Hey guys, what's up? मैं आप सभी का प्यारा होस्ट और दोस्त है मकेश, और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ डुप्ली क्राफ्ट के एक और शानदार दिन के अंदर। और हाँ, मतलब स्वागत ही करता हूँ। और हाँ, बाय द वे, हमारे 5000 सब्सक्राइबर्स कंप्लीट हो गए। यस, थैंक यू सो मच एवरीवन, थैंक यू सो मच, आई लव यू ऑल। और 5000 सब्सक्राइबर की खुशी में मैं जब भी सर्वर पे वापस आया ना, तो मेरे लिए कुछ गिफ्ट्स थे। जैसे कि सबसे पहला ये गिफ्ट पॉइजन की तरफ से, कांग्रेचुलेशन ऑन 5K ब्रदर, ये पॉइजन ओपी। और ये प्यारा सा गिफ्ट हमारी 5K को सेलिब्रेट करने के लिए। पॉइजन ओपी इज रियली अमेजिंग यार। और बाय द वे, तुम लोगों को पता है पॉइजन भी स्ट्रीमर है, मतलब वो भी डुप्ली क्राफ्ट की स्ट्रीम्स करता है। वो वीडियोस नहीं अपलोड करता, बट स्ट्रीम्स करता है, एंड ही इज एक्चुअली वेरी गुड। तुम लोग अगर उसके स्ट्रीम पे जाओगे तो बहुत मजा आएगा, मतलब एकदम चिल आदमी है यार, बस चिल एकदम। हेलो हेलो, मतलब मजा आएगा, एक बार उसकी चैनल चेकआउट कर लेना अगर आप लोगों को जानना है कि बाकी लोग भी डुप्ली क्राफ्ट में कैसे खेलते हैं तो। और उसके बाद एक और गिफ्ट भी है यहाँ पे फ्रॉम इश डेकोर, मतलब एक्चुअली इश घर की तरफ से है गिफ्ट, बट उसकी शॉप है डेकोरेशन की, सो इश डेकोर। तो ये प्यारे प्यारे बैनर्स 5K के, 5K एंड ये प्यारा सा बीच वाला, लवली, थैंक यू सो मच इशकार, थैंक यू सो मच ब्रो। और उसने हमें है ना थोड़ी सी डेकोरेशन के लिए चीजें भी दी है, जैसे कि डेको लैंटर्न, फ्रेंड पॉट, इट्स ब्यूटीफुल, मेरे को बहुत ही पसंद आई ये चीजें। और एनीवेज, मैं अभी हूँ मेरे इस विलेजर एरिया के अंदर, या तो फिर मेरा इंडस्ट्रियल एरिया जो होने वाला है उसके अंदर, बट मैं यहाँ पे इसलिए हूँ क्योंकि मैं आज सुबह से आया हूँ ना, तब से मैं इन विलेजर्स को ब्रीड करा रहा हूँ, मतलब मैं नहीं करा रहा, मेरा विलेजर ब्रीडर ब्रीड करा रहा है। यहाँ पे विलेजर्स गिर रहे हैं, मैं उनको उठाता हूँ और उठा के मेरे विलेजर्स को ले जाता हूँ इस वाले ज़ोंबी के पास। यहाँ पे ज़ोंबी उसे मार मार के कन्वर्ट करता है, और कन्वर्ट करने के बाद वो विलेजर्स यहाँ पे आता है, यहाँ पे मैं उन्हें कन्वर्ट करता हूँ वापस विलेजर के अंदर। और वो जैसे ही कन्वर्ट होता है वो इस स्लैब के थ्रू नीचे गिरते हैं, यहाँ से माइनक्राफ्ट में बैठ के उनकी जर्नी शुरू होती है, और सीधा वो लोग जाते हैं इस प्यारे से विलेजर ट्रेडिंग हॉल के अंदर। अब ये सेम डिजाइन है जो कि मैंने मेरे वन ब्लॉक वर्ल्ड के अंदर बनाई थी, लेकिन अगर फिर भी आप लोगों को ये डिजाइन बनानी है तो मैं इस डिजाइन की लिंक आप लोगों को नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। उसके अलावा मेरे पास अभी मतलब एक आर्मरर है, दो फ्लैचर्स है और दो फार्मर है। तो ये फार्मर मेरे को मस्त मस्त पम्पकिन एंड मेलन के ट्रेड दे रहा है, एक एमराल्ड फॉर वन मेलन एंड पम्पकिन, दैट्स ओपी ट्रेड। मतलब लिटरली मेरे यहाँ पे मेलन एंड पम्पकिन इस जगह पे ग्रो कर रहा है, मतलब मेलन एंड पम्पकिन क्यों बोलना, अगर एक मेलन एंड पम्पकिन के लिए मेरे को एक एमराल्ड मिल ही रहा है, तो यहाँ पे लिटरली एक एमराल्ड ग्रो करता है, वो यहाँ पे कलेक्ट होता है और फिर यहाँ पे चेस्ट के अंदर। और फिर मेरा ये प्यारा प्यारा आर्मरर जो कि मेरे को बहुत ही चीप रेट्स में डायमंड टूल्स दे रहा है, वाओ, डायमंड टूल्स, वो भी डायमंड टूल्स, आई लव डायमंड टूल्स, यस, नहीं एक्चुअली टूल्स नहीं, मेरे को डायमंड का गियर दे रही है। लेकिन एनीवेज, सिर्फ एक एमराल्ड में, मतलब सिर्फ चार एमराल्ड में मैं पूरा का पूरा डायमंड गियर पहन सकता हूँ। सो अब तुम्हें पता चला एमा केच क्यों कह रहा था कि पहले दिन पे हमेशा विलेजर ब्रीडर और आर्मरर बनाना चाहिए, और फिर ये फ्लैचर्स, तो तुम लोगों को तो पता ही है फ्लैचर्स मेरे को कितने पसंद है, मतलब लिटरली फ्लैचर्स मेरे को स्टिक्स के लिए एमराल्ड दे रहा है, मतलब स्टिक्स यहाँ पे ग्रो कर रही है बैम्बू की जगह पे, मतलब हमें कुछ नहीं करना होता, सिर्फ यहाँ पे आओ बैम्बू काटो, बैम्बू को पिक करो, बैम्बू को कन्वर्ट करो स्टिक्स में, और फ्लैशेस के साथ ट्रेड करो फ्री एमराल्ड्स, एंड हाँ, दैट्स प्रीटी मच इट। अभी बात करते हैं कि मेरे आज के प्लान्स क्या है। सो मैं प्लान कर रहा हूँ कि ये जो मेरा विलेजर एरिया है, तो इस जगह को मैं थोड़ा सा अच्छा करना चाहता हूँ, मतलब कि यहाँ पे थोड़ी सी अच्छी डेकोरेशन, यहाँ पे थोड़ी सी अच्छी टेराफॉर्मिंग, थोड़ी सी यहाँ पे बिल्डिंग, वहाँ पे बिल्डिंग की अभी जरूरत नहीं क्योंकि ये थोड़ा सा बड़ा बनेगा एरिया, लेकिन हाँ थोड़ी सी बिल्डिंग करनी है। सो यहाँ पे बिल्डिंग, फिर मेरे लिए एक छोटा सा घर, मे बी डर्ट का घर, आई डोंट नो, मेरे को डर्ट के घर मैंने कभी तक एक्सपीरियंस नहीं करे, मेरे पहले वर्ल्ड के भी इमेजेस मैंने मेरे इंस्टाग्राम पे दिखाए थे आप लोगों को याद हो तो। और बाय द वे, आप लोग मेरे इंस्टाग्राम पे अभी तक मेरे को फॉलो नहीं कर रहे तो उसकी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है, जाके जल्दी से मेरे को इंस्टाग्राम पे फॉलो करो, उसके पास मेरे डिस्कॉर्ड के लिंक भी है तो वहाँ पे भी फॉलो करो, और उसके बाद मैं ट्विटर भी यूज करता हूँ तो ट्विटर की भी लिंक वहाँ पे है, जाके मेरे को फॉलो करो, ईजी, व्हाट अ सेल्फ प्रमोशन। तो और उसके बाद मैंने शॉप को बहुत ही टाइम से छोड़ के रखा है यार, मतलब यार लिटरली डे टू या डे वन जब भी मैंने शॉप खोली तब से ये इतनी वाहियत शॉप है, डूड आई रियली नीड टू मेक वन शॉप। और शॉप से याद आया, कोई ऑर्डर है, कोई भी ऑर्डर नहीं है, सैड लाइफ। और ओ माई गॉड, ये पॉइजन की शॉप कितनी मस्त लग रही है, बट अपने आप खोलते हैं डोर, जंक, यहाँ पे भी जंक, इट्स लाइक पॉइजन शॉप खोल के नहीं, पॉइजन अपने लिए डंप चेस्ट खोल के बैठा है। एनीवेज, शॉपिंग डिस्ट्रिक्ट में बहुत ही प्रोग्रेस हो चुकी है यार, मतलब वीक ने भी एक अच्छी सी शॉप बना दिया, आई लाइक इट, नाइस। उसके अलावा ये क्या है, स्टॉक्स, स्टॉन्क्स फील्ड,
हाँ नाइस, मतलब आई सी स्टॉक्स, मेरे को दिख रहे हैं स्टॉक्स। पहले मेरे को ये लेजी का ठेला हुआ यहाँ से उठाना पड़ेगा, क्योंकि लेजी का ठेला कुछ बिक नहीं रहा है, लेजी आ भी नहीं रहा है खेलने के लिए, तो मतलब वो थोड़ा सा अपनी जॉब के साथ बिजी है, तो यू नो। और कोई भी मत कहना कि लिजी की जगह मेरे को ले लो, क्योंकि हर्मिट क्रब से डॉकम गया था तो डॉकम की जगह पे उन लोगों ने किसी और को लिया। हाँ नहीं लिया ना, तो फिर मतलब ये सिर्फ जॉब के लिए कारण थोड़ा बिजी है, नेवर माइंड। अभी मतलब यार लेकिन डुप्ली क्राफ्ट में बहुत ही अच्छे बिल्डर्स है, आई रियली लव ऑल द बिल्डर्स एंड स्पेशली दिस लीव्स। तो चलो हम, मैं घर पे जाता हूँ और मैं प्रिपरेशन करना शुरू करता हूँ, बिकॉज आई नीड बेटर थिंग्स टू डू। व्हाट, बीकन शॉप कमिंग इन फ्यू आवर्स? They beat me to the Wither Skeleton Farm. उन लोगों ने मेरे से जल्दी बना दिया। अभी मेरे को काम करना है। I'm going back. और मैं फटाफट से प्रिपरेशन करता हूँ और कुछ करते हैं हम। Yes, कुछ करना पड़ेगा हमें। Yes. So I guess first thing we need to do is we need to gather some materials. तो materials gather करने के लिए पहले एक shulkers हम shulker निकालते हैं, shulkers नहीं। और इस shulker के अंदर हम 18 dirt के अलावा कुछ और भी रखते हैं, जिससे मतलब जो भी मेरे को जो बनाना है उसके लिए काम में आएगा। Let's see क्या काम में आएगा। Grass block, yes. Stone बहुत सारा, yes. Cobblestone थोड़ा सा ज़्यादा चाहिए, but yes. फिर थोड़ा सा स्प्रूस चाहिए मुझे, और फिर बहुत सारे लीव्स भी चाहिए। तो मैंने प्रिपरेशन कर लिया, नाउ द ओनली थिंग रिमेनिंग इज वी नीड बटन। बटन चाहिए, हमारा स्काई ब्लॉक वाला ट्रेंड भूल गए तुम लोग, वन ब्लॉक स्काई ब्लॉक वाला। प्रेस बटन एंड स्टार्ट टाइम लैप्स। इससे तुम लोगों को तो आइडिया तो आ ही गया होगा कि आई एम प्लानिंग टू डू टाइम लैप्स। तो रुको, मैं मेरे को ढूंढने दो यार कहीं पे बटन। वो हो, मिल गया बटन एंड इट इज स्ट्रेट पॉइंटिंग टुवर्ड्स आवर शॉप। सिर्फ एक बटन प्रेस और टाइम लैप्स शुरू। और अगर ये बटन से भी नहीं होता ना टाइम लैप्स स्टार्ट, तो बटन से पहले तुम लोगों को एक और चीज ट्राई करनी है, तुम्हें वो सब्सक्राइब का और लाइक का बटन दबाना है। यस, इट इज सो नॉस्टैल्जिक, मैं नॉस्टैल्जिक फील कर रहा हूँ। मेरे स्काई ब्लॉक वाले वर्ल्ड में भी हम ऐसे ही सब्सक्राइब के लिए बोलते थे। लेकिन एनीवेज, मैं जब तक ये बटन दबा रहा हूँ और टाइम लैप्स शुरू होता है, तब तक तुम लोगों को जाके मेरे को सब्सक्राइब करना है और थम्स अप देना है। Easy. और अगर तुम लोग ऐसा करते हो और अगर आज के वीडियो पे 300 लाइक आती है, तो आई प्रोमिस नेक्स्ट वीक मैं वीडियो बनाऊंगा कि हाउ टू मेक टाइम लैप्स। नहीं, उससे पहले हाउ टू डाउनलोड एंड इंस्टॉल ऑप्टिफाइन, हाउ टू यूज RTX शेडर्स, ये सारे वीडियोस बनाने मेरे को। तो जल्दी से इस वीडियो के ऊपर 300 लाइक चाहिए मेरे को, 300 लाइक्स, यू गाइस कैन डू इट। मेरे को भरोसा है तुम लोगों पे, तुम लोगों ने मेरे लास्ट वीडियोस के ऊपर कितनी प्यारी प्यारी कमेंट करी थी, एकदम लवली लवली। तो बस वैसे ही आपको कमेंट्स करनी है, कमेंट्स तो करनी है लेकिन लाइक्स भी करनी है, 300 लाइक्स, ठीक है। चलो दबा दे इस बटन को। सो नर्वस, आई एम सो नर्वस। पटक।
हे गाइस, वेलकम बैक। होप यू एंजॉय द टाइमलैप्स। टाइमलैप्स अगर अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक कर देना, ठीक है। और हाँ, मैंने मेरे क्रिएटिव वर्ल्ड के अंदर ये जो बनाई थी शॉप, ये एक्चुअली इससे डबल हाइट की थी। ये पेड़ बहुत ही ऊंचा था, बट पता नहीं सर्वाइवल में ऊंचाई का मुझे ध्यान ही नहीं रहा कि मैं कितनी ऊंची बना रहा हूँ शॉप। सो मैंने एक्सपेक्ट करा था कि मैं जब शॉप बनाऊंगा, मेरी शॉप एक्चुअली बाकी की शॉप से बहुत ऊंची होगी, बट टर्न्स आउट इट इज सेम हाइट। सेम हाइट क्या, अभी मेरे को कुछ करना पड़ेगा यहाँ पे कि सब लोगों का अट्रैक्शन यहाँ पे आए। सो मैं सोच रहा हूँ इस घर की डेकोरेशन शॉप में से थोड़ी चीज़ें लेने का, और प्लस मैंने यहाँ पे चेस भी रख दिया। सो मेरे को थोड़ी सी साइन वर्क भी करना है। डन 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 डन। अभी भी एक चीज़ यहाँ पे मैं करना चाहता हूँ, आई डोंट नो कि यहाँ पे करूँगा, ऊपर करूँगा, कहाँ पे करूँगा। आई नीड टू सी डिफरेंट प्लेसेस। मैं बताता हूँ आप लोगों को मैं क्या करना चाहता हूँ। नाउ जबकि हमारी टेराफॉर्मिंग शॉप बन गई है, हमारा नेक्स्ट गोल है आई वांट टू गो इनटू नेदरराइट। मेरे को नेदरराइट बनाना है पूरा का पूरा मेरा सामान, और पूरा का पूरा मेरा सामान मेरे को नेदरराइट करने के लिए मेरे को चाहिए बहुत सारा गोल्ड। अभी मेरे पास गोल्ड का ये सिर्फ दो ब्लॉक ही है, ये जो दो ब्लॉक यहाँ पे गिरे हुए दिख रहे हैं ना, ब्लॉक भी नहीं, इनगेट है सिर्फ। तो आई हैव टू गो माइनिंग आई गेस। मेरे को माइनिंग एडवेंचर पे जाना पड़ेगा अभी। तो मैं थोड़ी देर माइनिंग करता हूँ, आप लोगों को दिखाता हूँ मेरे को कितने डायमंड्स मिलेंगे, कितने गोल्ड मिलेंगे और कितनी अच्छी अच्छी चीजें मिलेंगी। उसके बाद हम बनाते हैं नेदरराइट आर्मर हमारा। यस, वेलकम बैक। तो अभी माइन करते करते है ना, मैं वापस आ गया हूँ। मैंने माइन भी कर दिया और अच्छी खासी चीज़ें भी मिल गई, जैसे कि 32 गोल्ड, 5 डायमंड मिले थे मेरे को, 5 डायमंड। लेकिन उससे मैंने पेमेंट कर दिया, और पेमेंट किस चीज़ के लिए किया है पता है तुम लोगों को? मतलब तुम लोग तो जानते हो कि इशगार बेच रहा है बैनर्स, पर्सनल बैनर्स, डेकोरेशन की चीज़ें। तो मैंने उससे पर्सनल बैनर्स खरीदे कस्टम, एंड उसे कहाँ लगाया पता है? टन टन। अभी हमारी शॉप पूरे शॉपिंग डिस्ट्रिक्ट में कहीं से भी दिखेगी, टेरा टेरा। इस शॉपिंग डिस्ट्रिक्ट को पता नहीं मैं टेरा टेरा क्यों कहना चाहता हूँ, बट ये रही हमारी शॉपिंग शॉप। अच्छी लग रही है, आई एम इन लव विद दिस, आई लव दिस, मेरे को बहुत ही पसंद आया ये। लेट्स मेक वन नेदरराइट इनगट। नेदरराइट इनगट को इस हेलमेट के साथ कंबाइन करते हैं, इन दोनों हेलमेट को कम। ओ बाप रे, 27 इतने सारे लेवल्स में कहाँ से लाऊंगा। कोई नहीं कोई नहीं, इसे स्मेल्ट हो जाने दो, उसके बाद हम एंड में जाके लेवल्स कलेक्ट कर लेंगे। इजी पीजी लेमन स्क्वीजी। डायमंड लेगिंग्स तो परफेक्ट है, सो डायमंड लेगिंग्स को हम अपग्रेड कर देते हैं। लेट्स जस्ट अपग्रेड डायमंड लेगिंग्स। नेदरराइट इनगट, नेदरराइट लेगिंग्स। शूज के ऊपर हमें एनचेंटमेंट्स चाहिए। शूज के लिए मेरे पास है कुछ। ओके, हमारे डायमंड शूज हो गए तैयार अच्छे से, बाहर हॉर्न बजा रहा है फिर भी। हमारे पास लेगिंग्स है अच्छी सी, हमारे पास हेलमेट है एक अच्छा सा। आई गेस वी आर ऑल सेट। हाँ, अभी सिर्फ घर पे जाके मेरे को नेदरराइट इनगट्स ही चाहिए। पहले थोड़ा सा एक्सपी में लेके जाऊंगा। हाँ, नाउ मैंने सारी की सारी चीज़ें कर ली है, मैंने सब कुछ कंबाइन कर लिया, अब सिर्फ एक ही चीज़ की बारी है, नेदरराइट आर्मर पहनने की और फ्लैक्स करने की। तो ये आया मेरा हेलमेट, ये आए मेरे लेगिंग्स, ये आए मेरे बूट्स, और ये आ गया मैं पूरा का पूरा नेदरराइट में। आई हैव नेदरराइट आर्मर बॉयज, आई हैव नेदरराइट आर्मर, फुल नेदरराइट आर्मर। यस, इलेट्रा भी मेरा नेदरराइट का है। यस, और उसके अलावा भी मेरे पास दो इनगट्स थे। तो व्हाट डू यू थिंक मैंने क्या बनाया होगा? पहली मेरी शार्पनर और दूसरी मेरी सिल्की मैन। इजी, अपने बेस पे ही है ना? यप। ओके, भाई लिट्रा के वो बहुत काम आती लिट्रा। दिव्या आया ना? ओह नाइस, तीर नीचे कूदा। भाई देखो, एक इंगोट चाहिए, मेरे से ले लियो ना। So I guess that's it for today's episode. आज के episode के लिए उतना काफी है। Plus एक और चीज मैं बताना चाहता हूँ कि अगर आप लोगों को लग रहा है कि मेरा armor अलग क्यों दिख रहा है, तो ये मेरा armor इसलिए अलग दिख रहा है क्योंकि मैंने है ना वेनिला टिप्स पर से एक मॉड डाउनलोड करा है, या तो फिर रिसोर्स पैक भी कह सकते हैं। और उस रिसोर्स पैक से होता ये है कि ये जो नेदरराइट आर्मर है वो हमारे डिफॉल्ट डायमंड आर्मर जैसा दिखता है। सो मुझे नेदरराइट आर्मर उतना पसंद नहीं है लुक्स उसके, जैसे कि डिफॉल्ट है। सो मैंने ये एक नया मतलब डाउनलोड कर लिया रिसोर्स पैक, क्योंकि मुझे ये वाला ज़्यादा पसंद है। मुझे लगता है इस वाले रिसोर्स पैक में मेरी स्किन ज़्यादा अच्छी लगती है। सो इट इज़ माई चॉइस, मेरी ये चॉइस है। तुम लोगों को कोई और भी पसंद हो सकता है, मतलब इट इज़ अप टू यू। सो हाँ, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आज का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया,
और कल के एपिसोड में मैंने आप लोगों से एक क्वेश्चन पूछा था कि मेरे पास जो गास्ट ईयर्स है उन गास्ट ईयर से मैं कितने एंडर ड्रैगन्स को मार सकता हूँ। तो सबसे पहले आंसर तो प्रवीण ने दिया था कि 70 एंडर ड्रैगन्स को मार सकता हूँ, बट अनफॉर्चुनेटली वो आंसर रॉन्ग है एंड द करेक्ट आंसर इज फ्रॉम आरती दे सरकार। मुझे नहीं पता हाँ मैंने नाम कितनी सही तरीके से प्रोनाउंस करा, बट थैंक यू सो मच फॉर कमेंटिंग 130 एंडर ड्रैगन्स, दैट इज द एग्जैक्ट नंबर आई कैन किल आई गेस। मैंने काउंट नहीं करा है बट आई गेस दैट्स द राइट आंसर। हाँ हाँ वही राइट आंसर है 130 एंडर ड्रैगन्स। तो थैंक यू सो मच फॉर आंसरिंग आरती दे सरकार, थैंक यू सो मच, बिग शाउट आउट टू यू एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय, मिलता हूँ आप लोगों से अगले डुप्लीक्राफ्ट के एक और अमेजिंग एपिसोड में, जहाँ पे हम लोग और मज़े करेंगे, और भी ज़्यादा मज़े आएंगे, और भी ज़्यादा फन करेंगे, और भी ज़्यादा उड़ेंगे इस एलेक्ट्रा को लेके। बाय 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 बाय।